सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर कुछ नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए थे, जहां पर आपको रेडमी, पोको और साथ ही साथ रियलमी और इन्फिनिक्स की तरफ से कुछ स्मार्टफोन्स देखने को मिले थे। दोस्तों, अगर आप किसी नए स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते थे तो दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है टॉप 4 फोन अंडर 15,000 रुपीस, जहां पर हमने लगभग यहां पर सभी नए स्मार्टफोन्स को कवर किया हुआ है। अगर आप नए स्मार्टफोन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को रेडमी से। जी हाँ दोस्तों, रेडमी ने अभी हाल ही में इंडिया के अंदर दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं, जहां पर एक स्मार्टफोन 5G था तो दूसरा आपको 4G देखने को मिल जाता है। हालांकि दोनों ही फोन अच्छे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं Redmi के 11 Prime 5G की। चलिए बात कर लेते हैं इस फोन की। दोस्तों, तो ये फोन आपको डिजाइन के मामले में तो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। हल्का फुल्का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन वाला फीचर भी आपको मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों बिल्ड क्वालिटी आपको प्लास्टिक की मिलेगी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग है तो वहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर फोन के बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक मिल जाता है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ऑडियो भी डिसेंट मिलेगी। साथ ही में आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, जहाँ पर आपको मिलता है MIUI 13। सो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है, सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स की। तो भाई, इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.58 इंचेस की एक फुल HD प्लस की IPS LCD पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन आपको यहां पर 400 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, जो कि यार ठीक ठाक है। आपको यहां पर आउटडोर में थोड़ी सी विजिबिलिटी की शिकायत जरूर आएगी। रही बात दोस्तों यहां पर गेमिंग की, तो 90Hz की रिफ्रेश रेट और 240Hz की आपको यहां पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो डिस्प्ले दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिसेंट है। बात कर ले कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर डबल कैमरा का सेटअप मिलेगा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का आपको एक टैप सेंसर मिलता है। सामने की तरफ आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो भाई, कैमरा सेटअप थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन मेन कैमरा से आपको आउटपुट थोड़े से अच्छे मिलते हैं, डिसेंट आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो डे लाइट में आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। वहीं पर अगर हम बात कर ले फोन की परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो फोन के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का Dimensity 700 का चिपसेट। दोस्तों, ये चिपसेट 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर आता है, जिससे आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की दिक्कतें काफी कम आती हैं। साथ में बैटरी बैकअप भी फोन का काफी अच्छा मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें भाई, तो डेली टास्क और मल्टीटास्किंग वगैरह आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, और बजट के हिसाब से आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल कर देता है, तो वहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। और हाँ दोस्तों, फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम मिल जाती है, UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है, जिससे रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, जहाँ पर 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। लेकिन बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर 22.5 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल आपको यहाँ पर बैटरी मॉड्यूल से कोई खास शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन के अंदर आपको अप टू 7 5G बैंड्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सो बेसिकली, अगर आप यहाँ पर एक अच्छा सा डिज़ाइन चाहते हैं, लंबी चलने वाली बैटरी और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कैमरास के लिए स्मार्टफोन को लेना चाहें दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को ना ही परचेस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की दोस्तों। तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 13,999 रुपये। साथ ही में स्मार्टफोन का 6 और 128 वाला वेरिएंट आपको मिलेगा लगभग 16,000 रुपये की प्राइस पर। बट दोस्तों, मैं कहूँगा कि स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है, अगर आप चाहें तो उसी के साथ में जाइएगा। अदरवाइज दोस्तों, इससे बेटर ऑप्शन आपको इस बजट के अंदर मिल जाते हैं। आप हमारी 15,000 वाली जो बेस्ट स्मार्टफोन वाली वीडियो है, उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। से अगर आप स्मार्टफोन को परचेस करना ही चाहते हैं दोस्तों, सभी के बेस्ट फाइलिंग्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो भाई, हम बढ़ते हैं अब अपने अगले फोन की तरफ। और अगला जो फोन है दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस बजट के हिसाब से टॉप नॉच मिलती है। ये फोन यहाँ पर पोको का लेटेस्ट लॉन्च, पोको M5 4G। हाँ तो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। और भाई, डिजाइन है, अपना अपना टेस्ट होता है यार, तो वो आप देख लीजिए। रही बात दोस्तों यहाँ पर फोन के बाकी फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं, ट्रिपल कार्ड का स्लॉट आपको मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 12 के MIUI 13 पर। तो भाई, थोड़े मोटे ब्रॉडवेयर ऐप आपको यहाँ पर मिलते हैं,
आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर से कोई खास शिकायत नहीं आती। सो भाई ये तो थे फोन के बेसिक फीचर्स, बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन फीचर्स की। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस की आईपीएस एलसीडी पैनल, यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, अप टू 500 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि अच्छी बात है, साथ ही में 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिलती है। सो भाई देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है, आपको डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कहीं भी शिकायत नहीं आने वाली। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है, सामने की तरफ आपको दिया गया सिर्फ और सिर्फ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो भाई कैमरा सेटअप यहाँ पर थोड़ा सा ओके टाइप का है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो भाई ठीक ठाक आपको यहाँ पर इमेज आउटपुट भी मिलते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, सो गाइस आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। तो मेरे हिसाब से फोन का जो कैमरा है वो थोड़ा सा एवरेज है। इसी के साथ में बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों फोन के अंदर लगा हुआ है मीडियाटेक हीलियो G99 का एक लेटेस्ट चिपसेट, जो कि यार 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं मीडियाटेक हीलियो G96 से तो भाई आपको यहाँ पर पावर एफिशिएंसी काफी जबरदस्त देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों ये प्रोसेसर अप टू 12% तक आपको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। अंतुतु स्कोर की बात कर ले यार तो मीडियाटेक हीलो G96 स्कोर करता है लगभग यहाँ पर 3 से 3.25 लाख के आसपास, बट दोस्तों ये स्मार्टफोन यहाँ पर स्कोर करता है लगभग 3,70,000 के आसपास। तो जिसका मतलब हुआ दोस्तों कि आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग भी काफी इजिली कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम मिल जाती है, UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है, तो ऐप लोडिंग टाइम और रीड राइट की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस में आपको फोन के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जहाँ पर 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, और भाई अगर आप यहाँ पर नॉर्मल यूजर होंगे तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से मिलेगा। साथ ही में चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी, तो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है, हालांकि थोड़ी सी और बेटर चार्जिंग स्पीड होती तो ज्यादा मजा आता। सो बेसिकली यार अगर आप यहाँ पर तगड़ी परफॉर्मेंस चाहते हैं और भाई एंटिक लुक चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो भाई 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको 12,499 रुपये पे करने पड़ेंगे, बट दोस्तों स्मार्टफोन की जो फर्स्ट सेल है वो 13 सितंबर को है, जहां पर आपको बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन सिर्फ 11,000 रुपये की प्राइस पर मिलने वाला है। 11,000 रुपये के हिसाब से यार सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा, अगर आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों लगभग इसी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको रेडमी का 11 Prime 4G भी देखने को मिल जाता है, हालांकि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये अमेजोन पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, बट आपको बहुत जल्द स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप रेडमी की तरफ से लेना चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। सो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लिस्ट के हम अगले फोन की तरफ, और अगला जो फोन है दोस्तों यहाँ पर आपको डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा, साथ ही में फोन के अंदर जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। गाइज ये फोन है यहाँ पर रियलमी का 9i 5G। तो गाइज अगर हम बात करें इस फोन की, तो ये स्मार्टफोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, जहां पर बिल्ड क्वालिटी तो काफी अच्छी दी गई है, साथ में डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है। वहीं पर अगर हम कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर ले, तो भाई यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, 3.5mm का जैक दिया गया है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, और दोस्तों ट्रिपल कार्ड का स्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका मतलब कि आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 बेस्ड रियलमी के UI 3.0 पर, तो ये काफी अच्छी बात है, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल, बट याद रहे कि आपको यहां पर वी नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही में आपको यहां पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और अप टू 600 नीट्स की आपको यहां पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, वाइट वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाता है, तो ऑनलाइन कंटेंट वगैरह भी आप यहां पर स्ट्रीम कर पाएंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। गेमिंग के लिए 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज की आपको यहां पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो भाई डिस्प्ले क्वालिटी देखा जाए तो काफी अच्छी दी गई, डिस्प्ले से आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास के बारे में। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। और सेल्फी की बात करें गाइस, तो 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। तो भाई कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको ओके टाइप का मिलने वाला है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो मेन कैमरा से आपको आउटपुट भी अच्छे मिल जाएंगे। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की गाइस, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। कैमरा मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज है,
रही बात दोस्तों फोन की परफॉर्मेंस की, तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 810 का चिपसेट। और दोस्तों ये चिपसेट आता है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर। हालांकि एक डेढ़ साल पहले का लॉन्च है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे इसे काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लिया गया, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफी अच्छी निकाल कर देता है। चाहे डेली टास्क हो चाहे गेमिंग हो दोस्तों, आप यहाँ पर दोनों ही काफी अच्छी कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा, LPDDR4X की रैम लगी हुई है, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी निकाल कर देता है डेली टास्क, गेमिंग, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऐप लोडिंग परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आती। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और भाई चिपसेट के हिसाब से आपको यहाँ पर मीडियम यूजिंग पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से निकाल कर देती है। साथ ही में 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। बैटरी मॉड्यूल अच्छा दिया गया है, बस थोड़ी सी और अच्छी फास्ट चार्जिंग होती तो और ज्यादा मजा आता। तो बेसिकली दोस्तों इस फोन के अंदर आपको डिजाइन, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और बैक कैमरा काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन सेल्फी से आप उतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। बट दोस्तों अगर बाकी के जो फीचर्स देखे जाए तो वो काफी अच्छे हैं, तो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो भाई 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपए। बट अगर आपको पसंद है तो आप स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। चलिए गाइस बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी लेकिन एक ऑलराउंडर फोन की। और दोस्तों इस समय इन्फिनिक्स ने ही काफी धमाल मचा रखा है। दोस्तों ये फोन है यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 12 प्रो। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हालांकि बैक में ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है, तो बैक लुक भी अच्छा है और फ्रंट लुक भी आपको अच्छा मिल जाता है, तो वहां पर आपको डिजाइन में तो कोई शिकायत नहीं आने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो गाइस यहां पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, 3.5mm का जैक दिया गया है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए जहां पर आपको DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही में ट्रिपल गार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, जहां पर आपको मिलता है XOS 10.6। हालांकि अभी भी थोड़े बग्स वगैरह हैं, लेकिन फिर भी आपको सॉफ्टवेयर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। इसी के साथ में दोस्तों बढ़ते आगे और अब बात करते हैं फोन के बाकी फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस की AMOLED पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। साथ ही में 1000 nits की आपको यहां पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको 60Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है, तो डिस्प्ले क्वालिटी फोन के अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले से आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहां पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 108MP का। जी हां दोस्तों, साथ ही में 2MP का आपको डेप्थ और साथ में आपको यहां पर एक AI लेंस मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको दिया गया है 16MP का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहां पर अच्छा दिया गया है, और भाई डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं, तो उसमें भी आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें दोस्तों, तो अल्ट्रा HD ना सही, लेकिन दोस्तों आप यहां पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30fps, तो ये काफी अच्छी बात है। इसी के साथ में दोस्तों बात कर लेते हैं अब यहां पर फोन के चिपसेट की। तो फोन के अंदर आपको दिया गया है एक लेटेस्ट चिपसेट MediaTek का हीलियो G99 का चिपसेट। और गाइज ये चिपसेट काफी अच्छा है, 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बनाया, जिससे आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की दिक्कतें काफी कम आती हैं। और तो और फोन के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेटर मिलती है। तो डेली टास्क और मल्टीटास्किंग में तो आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग की बात कर ले तो भाई गेमिंग भी आप यहाँ पर काफी अच्छी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जहां पर 33W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल से भी आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आती। सो बेसिकली दोस्तों इस फोन के अंदर आपको AMOLED की पैनल मिल रही है, अच्छे कैमरास दिए गए हैं, परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाती है, साथ ही बड़ी रैम और बड़ा स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो चाहे तो आप स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो यहां पर आपको 8GB की रैम प्लस 5GB की वर्चुअल रैम मिलेगी, जिसका मतलब कि 13GB की रैम और 256GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है। और इस बजट के अंदर भाई आपको यहां पर 256GB की स्टोरेज कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, तो यहां पर आपको स्टोरेज काफी अच्छी मिल रही है। चाहे तो आप स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 14,999 रुपए की प्राइस पर। और वैसे दोस्तों कुछ दिनों में सेल आने वाली, तो उस दौरान ये स्मार्टफोन आपको लगभग 13,000 रुपए की प्राइस पर मिलेगा। तो भाई देखा जाए तो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। हाँ तो भाई ये थे वे कुछ टॉप 4 न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन, जो कि आपको मिल जाते हैं अराउंड 15,000 रुपीज की प्राइस। तो चाहे भाई तो आप इन स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। सभी के बेस्ट फाइलिंग्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।